What's up everyone? Welcome back to the channel. तो hopefully आपने इस chapter का introduction वाला part देख लिया होगा. अब ये वाला part बहुत important होने वाला है क्योंकि इसमें से हम लोग को question 100% आ रहे होंगे. तो आइए शुरू करते हैं हम लोग agriculture, industry और foreign trade के साथ कि 40 years में after independence किस तरीके से इन तीनों sectors को ठीक करने की कोशिश करी गई जो ब्रिटिशर्स ने completely ruin कर दिए थे. चलिए let's begin. तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के साथ. देखो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे वर्कफोर्स का लार्जेस्ट सेक्टर कंसिडर करा जाता है और लगभग कितना परसेंट पॉपुलेशन इसमें एंगेज थी, 70 से 75%. तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो फोकस था वो फर्स्ट प्लान से देखने को मिला कि एग्रीकल्चर डेवलप होना चाहिए. तो पहले ही प्लान में एग्रीकल्चर की बातें करी गई. सबसे पहले तो जो फीचर्स थे वही प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर के फीचर्स सारे प्रॉब्लम्स ही थी. एग्रीकल्चर खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने हमारा. नंबर वन, लो प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी बहुत खराब थी. लैंड को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करा गया था. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा था. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वेयर द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग आर एक्चुअली मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स. एक लैंड पे जरूरत है 4 लोगों की, काम कर रहे हैं 10, 6 लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, दिख नहीं रहे लेकिन है. उसके बाद हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे हम मैक्सिमम एक्सटेंट तक. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस था, बस अपने लिए ही ग्रो कर पा रहे थे और कमर्शलाइज ब्रिटिशर्स ने किया था, बट वो क्रॉप्स ग्रो करी जिसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ. डेप्रिशिएटेड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएटेड थी, पुरानी थी, नई तो आई नहीं. और लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट, वही जमींदारी सिस्टम की वजह से लैंडलॉर्ड और टीनेंट्स में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, लड़ाई झगड़े रहते थे. अब एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी इकॉनमी में, इवन किसी भी इकॉनमी में, बट इंडिया तो था ही एग्रीरियन कंट्री. तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो ये GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लोगों के लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड भी सारा का सारा एग्रीकल्चर ही पूरा करता है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारे बहुत सारे फूड ग्रेन्स, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वही सारी प्रॉब्लम्स जो ऊपर आई थी वही सब एज इट इज प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, एक बार जस्ट रीडिंग लगानी है आप लोगों को. परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन नहीं थे, पैसा नहीं था, छोटी छोटी ज़मीनें थी, स्मॉल और स्कैटर्ड, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम. मार्केटिंग सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं था हमारे पास. और एग्रीरियन रिलेशंस बहुत खराब थे. एग्रीरियन मतलब वही लैंडलॉर्ड टीनेंट रिलेशंस. अब बात करते हैं एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए कितने रिफॉर्म्स आए, ये आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए 3 रिफॉर्म्स आए, टेक्निकल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स. याद रखना टेक्निकल, लैंड और जनरल, ठीक है. बात करता हूँ टेक्निकल रिफॉर्म्स की. देखो अगर टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी चेंज करना, काम करने का तरीका चेंज करना. तो टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करें तो फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम कन्वेंशनल सीड्स नहीं यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और HYV सीड्स से जो चेंज आया हमारे इकोनॉमी में, इसी यूजेज को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में. बट सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इस ग्रीन रेवोल्यूशन का था. हमने नॉर्मल सीड्स छोड़ के HYV सीड्स यूज करे, टेक्नोलॉजी चेंज करी, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करे. केमिकल फर्टिलाइजर्स से फर्टिलिटी बढ़ी लैंड की, इंप्रूव हुई, ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली. इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करे, जो इंसेक्ट्स और पेस्ट हमारी क्रॉप्स को खराब कर देते थे उनको रोका गया, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को यूज करा गया. उसके बाद साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जितने भी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो सारी साइंटिफिक यूज करी गई कि कब के कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हमारी क्रॉप्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करी गई टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रोडक्शन, ठीक है. तो ये सारे चेंजेस आते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स में. HYV सीड्स यूज करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स और साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स. लैंड रिफॉर्म्स,
लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्निकल में टेक्निक, लैंड में जमीन के लिए। तो लैंड के लिए क्या करा गया, सबसे पहले तो कोशिश करी गई एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, कि वो जो इंटरमीडियरीज हैं उन्हें एबॉलिश करा जाए। इंटरमीडियरीज मतलब जमींदार्स, जिसकी लैंड है गवर्नमेंट ने बोला वही काम करे। ये तो बहुत गलत बात है कि आप किसी से भी काम करा रहे हो और उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि हम इन इंटरमीडियरीज को खत्म करें, जमींदारी सिस्टम को खत्म करें। बट ड्यू टू वही, इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा है, इंडिया में कोई भी पॉलिसी कंप्लीटली फॉलो नहीं होती, बहुत सारे लूप होल्स है, तो ये कंप्लीटली अबॉलिश नहीं हो पाया। वो फेलियर ऑफ प्लानिंग में पड़ेंगे हम, बट स्टिल कोशिश करी गई थी। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेंट, वो जो रेंट चार्ज करते थे बहुत ज्यादा अनइवन, कुछ भी चार्ज कर रहे थे, वो रेगुलेट करा गया, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए और बोला गया जितनी भी वैल्यू ऑफ क्रॉप्स होंगी, जितनी भी वैल्यू ऑफ क्रॉप्स होगी आप उसका मैक्सिमम 1/3 चार्ज कर सकते हो। सपोज 90,000 की क्रॉप्स बनी तो उसका 1/3, बस 30,000 तक का मैक्सिमम रेंट हो सकता है, उसके अलावा आप कुछ भी चार्ज नहीं करोगे। होल्डिंग्स का मतलब जो ज़मीनें हैं, जो लैंड है, उसको कंसोलिडेट करने की ट्राई करी गई। फॉर एग्जाम्पल एक चिंटू है, अब सपोज ये इंडिया है, इसकी एक ज़मीन यहाँ पे है एक कोने पे और एक ज़मीन यहाँ पे है एक कोने में चिंटू की। उसके बाद एक बंटी है, चिंटी नहीं बोल रहा, बंटी बोल रहा हूँ, ये बंटी है, बंटी की भी एक लैंड यहाँ है और एक लैंड यहाँ है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बोला कि चिंटू आप ये वाली लैंड छोड़ दो, बंटी आप ये वाली लैंड छोड़ दो, ये चिंटू को दे दी, ये बंटी को दे दी। तो क्या अब ये बड़ा एरिया हो गया, ये भी बड़ा एरिया हो गया एक इंसान के पास। अब अगर इन्होंने यहाँ पे ग्रो करनी है क्रॉप्स तो कितना आसान है, एक ही जगह करनी है, ज़्यादा लैंड, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो छोटी छोटी जो बिखरी भी लैंड होल्डिंग्स थी ना, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करी गई, कंसोलिडेट करी गई, और लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग लगाई गई। सीलिंग का मतलब लिमिट लगाई गई, ये नहीं कि एक इंसान बहुत बड़ी ज़मीन लेके बैठ गया, क्योंकि पहले प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐसे नहीं होती थी। पहले प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप लोगों को अगर पता हो तो पावर से प्रॉपर्टी मिला करती थी, पैसे वैसे का तो कोई चक्कर नहीं था, जो ज़्यादा पावरफुल उसके पास उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी लैंड पे कि एक इंसान मैक्सिमम इतनी लैंड रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो देर वॉज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो लैंड में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करा गया, एक तो जमींदारी सिस्टम खत्म, रेंट को रेगुलेट कर दिया, होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करा, एक साथ ले आए और सीलिंग लगा दी गई लैंड पे। जनरल रिफॉर्म्स में जनरल चीज़ें जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी करी गई, पानी की व्यवस्था, उधार दिया गया, क्रेडिट आपने रूरल डेवलपमेंट में ही पढ़ा, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करा गया, रेगुलेटेड मार्केट्स और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई। रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब मार्केट्स में रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, प्रॉपर रूल्स होंगे, प्रॉपर रेगुलेशंस होंगे, चोरी चकारी नहीं होगी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज डेवलप करी गई सभी मार्केट को डेवलप करने के लिए। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई, प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वही फार्मर को कम से कम इतना पैसा मिल ही जाएगा। तो ये सब अदर में आ जाता है। अब अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन स्पेसिफिकली वीट, वीट की बात हुई थी इसके अंदर ज्यादातर। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की क्यों जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंडेंट था, और अगर मानसून नहीं होता था तो फार्मर के पास प्रोडक्शन ही नहीं होता था, बहुत ट्रबल होता था। तो दैट इज वाई, उसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो भी बहुत कम थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हमें और कुछ समझ में नहीं आया, हमें एक सॉल्यूशन मिला, वो था HYV सीड्स, हमने यूज कर दिए। हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन से एक तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स बनने लगे बढ़िया तरीके से, और जो लो इनकम ग्रुप्स थे जिनका लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम फूड पे जाता था, उन्हें फायदा मिला, क्योंकि जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो मार्केट में चीज़ें सस्ती भी होंगी। अगर बहुत ज़्यादा वीट है, आटा अवेलेबल है भरपूर मात्रा में, वीट अवेलेबल है तो आटा भी सस्ता रहेगा ना। वीट की शॉर्टेज हो जाए तो क्या, वीट शॉर्ट होगा तो आटा महंगा होता चला जाएगा इकोनॉमी में, जो लो इनकम लेवल है उसे खाने को भी नहीं मिलेगा, राइट। तो इससे क्या हुआ कि प्राइस लेवल काफ़ी रिड्यूस हुआ। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर से फैलोइंग की जरूरत कम हो गई। फैलोइंग क्या होता है, फैलोइंग एक टेक्निक है जिसमें ये होता है कि जब आपने एक क्रॉप ग्रो कर दी तो जब आप उसको हार्वेस्ट कर दोगे, उसकी फसल को काट दोगे, कटाई हो जाएगी उस फसल की, तो उसके बाद जमीन को थोड़े टाइम ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, सो दैट जो लैंड की फर्टिलिटी है वो वापस आ जाए, क्योंकि एक बार तो फसल ने सब एब्जॉर्ब कर लिया ना, क्रॉप्स ने सब एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको कुछ टाइम के लिए आइडियल छोड़ते हैं, मतलब एक तरीके से उसका रिपेयर होता है। अब इतना टाइम आइडियल छोड़ेंगे, फिर दोबारा नया बीज बोएंगे, फिर दोबारा फसल होगी, तो कितना समय खराब होता था।
तो केमिकल फर्टिलाइजर्स ने फेलोइंग की नीड को भी खत्म कर दिया कि अब आपको आइडल छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट लैंड तो फर्टाइल ही रहेगी केमिकल फर्टिलाइजर से, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। फार्मर्स का आउटलुक भी चेंज हो गया, सोचने का तरीका भी चेंज हो गया। हम लोगों ने अब सबसिस्टेंस छोड़ दिया कि अब हम लोग सबसिस्टेंस नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं ग्रो कर रहे, हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या रिस्क थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, बहुत सारे रिस्क थे। क्या सबसे पहला पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता था, पेस्ट बहुत ज़्यादा आते थे, कीड़े बहुत ज़्यादा आते थे इन सीड्स के ऊपर, इन क्रॉप्स के ऊपर, और इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत बड़ी थी इससे। इनकम इनइक्वालिटीज़ कैसे बढ़ गई, पहली चीज़ जो HYV सीड्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। अब जब बीज महंगा होगा तो सब लोगों तक तो नहीं पहुंचेगा, जब बीज महंगा है सब लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा तो जो अमीर किसान है वो ले लेगा, वो तो पहले ही अमीर था और इसने कई गुना मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर दिया प्रोडक्टिविटी में, तो उसका पास ज़्यादा आउटपुट हो गया, प्रोडक्टिविटी उसके पास ज़्यादा है तो आउटपुट भी बहुत ज़्यादा हो गया, आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से इनकम और बढ़ती चली गई उसकी, तो अमीर और अमीर होता गया, गरीब बेचारा और गरीब होता चला गया, तो इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई। क्या क्या लिमिटेशंस थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, पहली बात ये सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स तक था, स्पेसिफिकली वीट तक था ये। अच्छा, ये आया कब था, mid-60s में आया था, दो फेसेस में आया ये। सबसे पहले mid-60s यानी कि mid-1960s में, और फिर mid-1970s में, ये इसका फर्स्ट फेज बोला जाता है, ये इसका सेकेंड फेज बोला जाता है। इस फेस में ये सिर्फ कुछ ही रीजन्स तक था जैसे पंजाब, और सेकंड फेस में ये पूरा ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हुआ था। बट अभी अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म तो नहीं था, ये याद रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बढ़िया है जी। स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द रीजन्स, हर रीजन तक नहीं पहुंचा, बताया मैंने आपको। इसके बाद इट बेनिफिटेड ओनली द रिच फार्मर्स, छोटे फार्मर्स को कोई फायदा नहीं हुआ, और बहुत ज्यादा पानी लेते थे, ये भी इसका एक समस्या था कि जो HYV सीड्स थे उन्हें वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता था, तो ज्यादा वाटर कंजम्पशन की वजह से जो ग्राउंड लेवल था वाटर का, वाटर लेवल था ग्राउंड में, वो कम होता चला जा रहा था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमें इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा, दिस वॉज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। बहुत ध्यान से इन चीजों को पढ़ के चलना, और फिर हम आगे चलते हैं इंडस्ट्री की तरफ। तो बस इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, एंड देन लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज इट। नए पार्ट में मैं आपको इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के बारे में बताता हूँ, और चैप्टर को करते हैं क्लोज।